जेएनयू में 5 जनवरी को ही हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 लोगों की तस्वीर जारी की थी, लेकिन एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब इस बारे में नई बहस छिड़ गई है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ छात्रों को दिखाया गया है जो वीडियो में ये कहते दिख रहे हैं कि हमले में तकरीबन 20 लोग शामिल थे जिन्हें बाहर से बुलाया गया था। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो दावे किए थे उन पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों की पुलिस द्वारा पहचान की गई उनमें से अधिकतर वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र हैं, जबकि स्टिंग ऑपरेशन में इसके ठीक उलट तस्वीर सामने आई है। स्टिंग ऑपरेशन में बीए फ्रेंच का एक छात्र जो खुद को एबीवीपी का कार्यकर्ता बता रहा है, उसने बताया कि उसने साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा की अगुवाई की थी। इसी तरह के कई और खुलासे भी इस स्टिंग में सामने आए हैं। वहीं इस स्टिंग को लेकर एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव निधि त्रिपाठी ने स्टिंग में दिख रहे लड़कों के एबीवीपी से जुड़े होने से इनकार कर दिया है। निधि ने साफ तौर पर कहा है, यदि कोई दावा करता है कि वे एबीवीपी से है तो उसके कहने भर से वे कार्यकर्ता नहीं हो जाता। तो वहीं स्टिंग करने वाले चैनल का दावा है कि दिल्ली पुलिस इस स्टिंग को अपनी जांच में शामिल कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए प्रियंका की रिपोर्ट।